हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। तो आज की वीडियोस में हम बात करेंगे, एक एग्ज़ाम्स रिलेटेड बात करेंगे, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्ज़ाम कराती है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जिसने एक प्रस्ताव लाया है 3 साल CET स्कोर वैध रहेगा। अगले साल से ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, ग्रुप और बी और सी के लिए एक कॉमन टेस्ट हुआ करेगा। जैसे पहले ना काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते, रेलवे अपने 4-5 पेपर कराती थी, इसी तरीके से SSC बैंकिंग के काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो जाते थे, साल में लगभग 50 से ज़्यादा एग्ज़ाम हुआ करते थे। लेकिन नेक्स्ट ईयर से क्या होगा, ये एग्ज़ाम ना होते हुए एक एग्ज़ाम लिया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं CET। और जो इसकी जो नोटिफिकेशन की जो चयन प्रक्रिया है ना, उसे लगभग 12 से 18 महीना लगते थे। केंद्र के ग्रुप बी एवं सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा जिसका नाम है CET। अब हम बात करेंगे इसका पॉजिटिव व्यू क्या है। पॉजिटिव व्यू तो हमने बात कर लिया, बहुत सारे एग्ज़ाम देने पड़ते थे, अब हमें एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो क्वालिफाई हो गया उसी के तहत हमें एक जॉब मिल जाएगी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA अगले साल में केंद्र के ग्रुप बी और सी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएँ शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में स्नातक स्तर के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से हो सकती है। क्या है, सबसे पहले हम ग्रेजुएशन वालों के लिए ये स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 12th लेवल, फिर उसके बाद 10th लेवल। परीक्षा देश के 117 जिलों में के 1000 से अधिक परीक्षा केंद्रों में होंगी। इसमें सभी जिला मुख्यालय कवर होंगे। CET स्कोर के आधार पर केंद्र, राज्य सरकारें, सार्वजनिक उद्यमी और निजी क्षेत्रीय भर्तियां कर सकें। CET स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। हर साल 2 बार परीक्षाएँ होंगी। ये परीक्षा अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन जैसी अलग अलग एजेंसियों के जरिए होती हैं। NRA के सूत्रों के मुताबिक CET के सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस नॉर्मलाइजेशन के बारे में विशेषज्ञ परामर्श कमेटी की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। NIC की ओर से NRA की परीक्षाओं के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के परीक्षण का काम भी अंतिम चरण में है। NRA ने रेलवे बोर्ड, बैंकिंग संस्था और सेवा चयन आयोग से इस संबंध में चर्चा शुरू कर दी है। पिछले महीने संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में एजेंसी ने बताया था कि CET के आयोजन की उसकी तैयारी अंतिम चरण में, लेकिन 3 स्तरों 10वीं 12वीं और स्नातक पर एक साथ CET आयोजित करने में उसे पहली बार आवेदकों को बहुत बड़ी संख्या का संभालना होगा। इसके बाद सीमित ने ग्रेजुएट लेवल की CET शुरुआत करने की सिफारिश की है। कमेटी ने जब तक NRA CET शुरू नहीं कर पा रहा है तब तक रेलवे बोर्ड भर्ती परीक्षा केंद्र बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि आवेदकों को 100 से 200 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केंद्र मिल जाए। बैंकिंग भर्ती एजेंसियों से भी कहा है कि वो एक बार अपनी 1.25 लाख की परीक्षा क्षमता में बढ़ोतरी करें। NRA के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी अलग अलग एजेंसियां 50 से अधिक परीक्षाएँ आयोजित कराती हैं। नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 12 से 18 महीने लगते हैं। एक कॉमन टेस्ट से ये गैप कम होगा। उदाहरण के लिए बीते 5 वर्षों में रेलवे रिक्रूट बोर्ड ने 7 नोटिस के जारी किए, ग्रुप के 283,740 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराई। इनमें से 143,034 पदों की भर्ती हुई, जबकि 140,713 पदों के लिए प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र ने December 2020 में नेशनल रिक्रूट एजेंसी की स्थापना की। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच।